झारखंड के दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के लुटियापाड़ा और बादलपाड़ा इलाके में अवैध कोयले का उत्खनन किया जा रहा है। जिला प्रशासन टास्क फोर्स की टीम की ओर से इन इलाकों में छापामारी की कार्रवाई, साथ ही इसके अलावे डोजरिंग की कार्रवाई किए जा रहे हैं। आखिर ये लगातार कोयले का उत्खनन कैसे हो रहा है, इसके पीछे कौन है, इन सब बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अभी सीओ साहब हैं, चूँकि उनका क्षेत्र पड़ता है। ये बताइए सीओ साहब कि लगातार जो है यहाँ पर कोयले का उत्खनन किया जा रहा है, इलीगल माइनिंग किया जा रहा है। जी, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, प्रखंड मुख्यालय से भी अत्यधिक दूरी है, सुदूरवर्ती क्षेत्र है और हमारा चारों ओर वन क्षेत्र नज़र आ रहा है। इसमें चूँकि सुदूरवर्ती होने के कारण सतत निगरानी अभी हम लोग नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में जैसे ही शिकायत प्राप्त होती है कि माइनिंग यहाँ पे किया जा रहा है, तो जो भी माइनिंग टास्क फोर्स है जिला से जो नियुक्त किया गया है, हम लोग संयुक्त रूप से कार्रवाई निश्चित ही हम लोग करते हैं। और पिछले दिनों भी आपने देखा है कि बादलपाड़ा में कार्रवाई की गई है, और आज भी हम लोगों ने बादलपाड़ा और लुटियापाड़ा, कुछ वन क्षेत्र है और कुछ निजी ज़मीन रहती ज़मीनों में लोग अवैध माइनिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद प्रायः हम लोग देख रहे हैं कि लोग यहाँ पाए नहीं जाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से अपना ये लोग भी निगरानी रखते हैं कि कार्रवाई होने वाला है, लोग गायब हो जाते हैं। तो आज उसी क्रम में कार्रवाई की गई है, दोनों क्षेत्र में लगभग 24 खदानों को ध्वस्त किया गया है माइनिंग टास्क फोर्स के द्वारा, और आगे भी ये कार्रवाई जहाँ से भी शिकायत आ रही है निरंतर उस पर जारी रहेगी, और माइनिंग टास्क फोर्स का यही अभी प्रतिबद्धता है। क्या ये बताइए कि शिकारीपाड़ा अंचल क्षेत्र में क्या बादलपाड़ा और लुटिया पहाड़ ही सिर्फ कोयले का उत्खनन किया जा रहा है, क्या इसके अलावा हीरापुर में भी तो उत्खनन किया जा रहा है, उसको रोकने की क्या कार्रवाई? देखिए, चूंकि अभी जहाँ जहाँ शिकायत अभी आई थी वहाँ वहाँ हम लोग चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, उसी क्रम में आज जो है ये दो जगह कार्रवाई की गई है, और आने वाले समय में आप ज़रूर देखेंगे कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। तो ये थे हमारे साथ शिकारीपाड़ा के सीओ साहब, उनसे ये उन्होंने कहा कि लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है, 24 खदानों को जो है बुलडोजरिंग किया जा चुका है। और हमारे साथ अभी जो है टास्क फोर्स टीम में एसडीपीओ और जिला माइनिंग अफसर भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए सर कि क्या कार्रवाई की गई है? अभी जितने भी अवैध खनन से संबंधित जो मामले आए थे हम प्रकाश में, उस पर ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है, और उस पर आगे प्रशासनिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से जिस पर कार्य किया जा सकता है, प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है, उस पर संयुक्त टीम के द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है। लेकिन लगातार जो है इस इलाके में अवैध उत्खनन किया जा रहा है, बावजूद इसके रोकने का नाम क्यों नहीं दे पा रहा है, ये सुदूरवर्ती जो हमारा सड़क मार्ग है उसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, तो इसमें एक बड़ी टीम की आवश्यकता होती है जिसको योजनाबद्ध तरीके से करना होता है, और उस पर आगे निगरानी रखी जा रही है ताकि भविष्य में अवैध उत्खनन ना हो। कौन से लोग हैं सामने, क्या अभी तक कुछ जान पाए हैं कि कौन से लोग इस उत्खनन कार्य में जुड़े हैं? इस पर हमारी पूरी टीम अनुसंधान कर रही है, जैसे ही अनुसंधान कंप्लीट होती है, पूरी होती है, तो उस पर अग्रतर जानकारी आपको दिया जाएगा। लेकिन पिछले बार भी जो यहाँ पर बुलडोजरिंग का काम किया गया था, उस पर भी जो कहीं ना कहीं ग्रामीण भी आड़े आ जाते हैं, वो लोग जो है इलीगल माइंस ऑनर जो है वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को आगे सामने भी कर देते हैं। ये थोड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है और सबकी भावनाओं को कद्र करते हुए हम लोग कार्रवाई एक लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, और जिसमें प्रशासन कटिबद्ध है कि ये अवैध खनन ना हो भविष्य में। निश्चित रूप से डीएमओ का कहना है कि इस क्षेत्र में अवैध खनन न हो, उसके लिए व्यापक उपाय किया जा रहा है, क्योंकि ये नक्सल इलाका है और घोर नक्सल इलाके में पुलिस के टास्क फोर्स टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस को भी लगाया गया है। हमारे साथ एसडीपीओ साहब हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कार्रवाई कितनी बड़ी है और कितनी सफलता मान रहे हैं, और क्या ये रुक पाएगा कि नहीं। हम लोग को जब जब जानकारी मिलती है हम लोग कार्रवाई करते हैं, और
आगे भी हम लोग निगरानी रखे हुए, आगे भी अगर उस तरह की जानकारी मिलेगी तो हम लोग कार्रवाई को आगे भी इस तरह निरंतर जारी रखेंगे, कार्रवाई तो होती ही। चूँकि ये नक्सल क्षेत्र है सर, और नक्सल क्षेत्र में एक कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उसको लेकर आप कैसे प्लानिंग करते हैं? उसके लिए तो हम लोग पर्याप्त मात्रा में फोर्स लाए हुए हैं, SSB है, SIRB है, हमारे जिला बल है और जिला टास्क फोर्स के हम लोग मेंबर हैं, वो सब लोग को लेकर के ही हम लोग आते हैं पर्याप्त मात्रा में, ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो। बाकी भविष्य में कहना मुश्किल है। एक आखिरी बात ये बता दीजिए कि जो भी कार्रवाई की जाती है, लेकिन इससे पहले जो है माफिया को पता चल मैंने जाता है। कहा है कि ना था, अभी DMO साहब ने बताया कि थाना से बहुत दूर है और मुख्यालय से तो काफ़ी दूर है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और उसके बावजूद जो भी जानकारी मिलती है हम लोग तत्परता के साथ आते हैं और कार्रवाई भी करते हैं, है ना, और आगे भी उम्मीद है कि इसी तरह कार्रवाई हो। तो ये थे SDPO साहब जो टास्क फोर्स टीम में थे, उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि जो अवैध कोयले के उत्खनन में लोग लगे हैं और जो भी जो यहाँ पर उत्खनन के लिए जो गड्ढे बनाए गए उसको बुलडोजरिंग किया गया है, और उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो लोग इस कार्य पर जुड़े हुए हैं। विकास प्रसाद शाह, ABP न्यूज़, दुमका। ABP News, आपको रखे आगे।